लग रही है अपनी राइटिंग लिख। तेरी तो कीड़े जैसी लग रही है। किसकी? इसकी शादी है भाई। तू तो खतरनाक बन के आ रखा है। इस बार हो गया क्या? आईडी बना के मुझे मैसेज किया है। ये फेक आईडी लग रही है। पड़ोसी होते हैं ना, उनसे ही मांग के आया हूँ। मम्मी मेरे लिए फ्राइड राइस बनाएगी मस्त। पढ़ लो जाओ। मटर के सीन ना देखो। वी गुड मॉर्निंग आर्टियंस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आर्टियंस यहाँ देखो, लुक एट दिस प्लेस। सॉरी आज मैं तेरे ज्यादा मजे नहीं ले पाऊंगा। आर्टियंस बताऊँ क्यों? बताता रुको। देख सकते हैं अभी मुझे बनाना है अपना डाइडू। लुक डाइडू को देखो। है डाइडू? हाँ जी डाइडू। हाँ मुझे क्या बनाना है अपना? और हमारी घड़ी खराब हो रही है लेकिन आज डाइडा टाइम बता दो, टाइम कितना हो रहा है? अरे 9:25 हो गया है एंड मुझे 11 या फिर 10:30 तक जाना है। और पहले बिग बन जाना है क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना है। आपको पता है पहाड़ों में नेटवर्क बहुत गंदे चलते हैं। जल्दी जल्दी मम्मी ने चाय दी है, गरम गरम चाय पीता हूँ और फटाफट असाइनमेंट बनाता हूँ। यार कितने दिनों बाद लिखूंगा ना। चलो चलो लेट्स गो। अरे भाई 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 भाई, इसको फाइनली बैठा दिया है काम करने में, लेकिन इसकी राइटिंग देख रहे हो दोस्तों आप? आरती की राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। आर्टियंस को पता है जिसने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे। ये बगल वाली राइटिंग देखो। आर्टियंस देखो हम क्या करते थे जब बचपन में ना, मुझे ना कलर वलर का बड़ा शौक है बड़ा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है फ्रंट पे। क्या हो रखा है? लाल लाल हो रखी नाक आपकी, मतलब अंदर से यहाँ पे वो मुड़ा खाओगे। बर्थडे सबको पता है 3 फरवरी को। आर्टियंस मुझे कुछ भी ड्रेस नहीं है अभी बनी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मेरे को ना बहुत ज्यादा मन, अरे यार अब बाद में बताऊंगा भी की असाइनमेंट बना लेता हूं। हां करो करो मिलता। चलो बाय। तो आर्टियंस मैंने क्या किया ना, ये पेज मतलब ऐसे लिखते हैं ना, मैंने ना जल्दबाजी में ना ये ऐसा कर दिया है। जल्दबाजी में नहीं, मतलब 2 साल बाद किताब खोल ली हूं, कुछ पता नहीं है कहां है। मैं तो जाता हूं प्रेस में। करो भागो यहां से आप बेवकूफ। खुद तो 4 साल बाद किताब खोलेंगे, मुझे बोलना है यहाँ। शट अप। व्हाट कैन आई डू? यू आर ग्रेजुएटेड, व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू? क्या करूँ? ग्रेजुएटेड तो मैं क्या करूँ, मैं भी अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। देन व्हाट कैन आई? जो भी समझ आ गया ना अर्जुन सबको, कैसी भी हो जाऊंगा, तुम्हें क्या, सभी हो जाते हैं आजकल। ब्लैक की बात कुछ नहीं कर पाओगे डाइडा की, मैं ही ले लेता हूँ ढंग से सबकी, अगर कोई मेला ही लेता है तो। चलो अटेंस करता हूँ, कोई नहीं एक ही इसमें करता हूँ, एक ही रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट हो गया डन। मम्मी क्या बोल रही? तेरी छोनिया पढ़ाई कर रही है। मम्मी खुश हो रही मेरे को देख के। ना अटेंस मुझे लेट हो गया क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया। एवरीवन इट्स डन विद दिस। आया आया रुको बताता हूँ। राइटिंग में हंसना मत। मस्त राइटिंग भाई, क्या सजा रखा है वो, सब लिख दिया क्या? हाँ। इन्होंने 1 घंटे में अपना इंग्लिश का असाइनमेंट बनाया है। आर्टिस्ट मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं ना किसी और को भी दे सकता था लेकिन मुझे ना खुद से करना था क्योंकि ना मेरे को अर्जुन की राइटिंग सही नहीं लगती है ना, तो ये मेरा काम था, मैंने खुद से ही कर दिया। अब मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे जाना है देहरादून, तो फटाफट मुझे खाना लागे उसके बाद अपन चलता है। इसमें मम्मी हमें बादाम भी खाती है, मम्मी बोलती है इससे तेज होते हैं पढ़ाई दिमाग, लेकिन मैं तेजी नहीं हूँ। दिमाग तो तेजी नहीं है, दिमाग तेज है, सिर्फ मुंह तेज है। बकवास मत करो। नो कमेंट्स। ये खाया टेस्टी फूड, ये देखो गाल भर भर के खा रही है। क्या चाहिए? ऑल डन। आज भी लेट हो गया यार कॉलेज के लिए, कल तो दादा को छोड़ेंगे, दादा देहरादून जा रहे हैं। दादा थैंक यू बाय। मैं बहुत लेट हो गया हूँ अभी। मम्मी बाय, इधर आ। बाय आंटी जी। चलो आर्टेंस, मैं कब नहीं होता हूँ आर्टेंस, कब नहीं होता हूँ मैं लेट यार। लाइट तो बंद कर दो। सो आर्टेंस मैं ना सेनो को अभी बिल्कुल नहीं चला सकता, चला सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं चलाऊंगा जब तक मैं एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता। चलो चलते बनते हैं। चलो बड़े भाई। डब्बू तो हेलमेट भी नहीं पहनता यार। अरे यार यहाँ से कॉलेज तक नहीं होती है। अरे ऐसा नहीं, सेफ्टी होती है यार।
इसमें तीन में बड़ी अच्छी जगह होती है, मैंने एक चीज देखी है ना डब्बू भैया, देखना न्यू नहीं मस्त, और किसी बाइक में नहीं होता है तीन में इतना। सो आज का मौसम कितना मस्त रखा है ना हमारे शहर का। बाय बाय, बाइक में आया था पैदल भी। तो मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए हैं, डायरेक्ट को हमने छोड़ दिया, वो डब्बू भैया जा रहे हैं कॉलेज में। अभी पहले मैं ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा इम्पोर्टेंट है ना, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे कॉलेज, डब्बू भैया मेरे को लेने आएंगे। चलो यहाँ पे करता हूँ मैं अपना ब्लॉग अपलोड, यहाँ पे हो जाता है ना, फिर मिलता हूँ ठीक है। सो आरती, जब तक मैं यहाँ पर मतलब अपलोडिंग के लिए बैठा हूँ तो मैंने सोचा मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम भी हो रही है, मेरा गला भी दर्द हो रहा है, तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। आरती अभी मैं अकेला तो मैं आपसे ही करता हूँ, कॉलेज के लिए लेट भी हो गई हूँ, बट कोई नहीं, ब्लॉग मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डब्बू भैया खुद तो नहीं आए, डब्बू भैया के दोस्त को भेज दिया। चलो कोई नहीं भैया, आपको आपको ही बैठना पड़ेगा, कॉफ़ी पियोगे? सो आज का मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया। आपको पता मेरे पास सिर्फ बैग में सच में सिर्फ 60 थे और कॉफ़ी 60 की है। एक्चुअली ना मेरे जीपे में कुछ इशू आ गया है, ये लीजिए भैया, थैंक यू सो मच भैया, 60 का ही है ना। चलो आज ये देखो बिल्कुल मेरे से नहीं लग रही, चलो चलते हैं, बस थोड़ा होने वाला है, 70 हो ही गया। मेरा फाइनली ब्लॉग डन हो चुका है, इसने भी काफ़ी टाइम लगाया था लेकिन हो गया है। अब सीधे हम जा रहे हैं कॉलेज पे, मैं जा रहा हूँ भैया के साथ, लेट्स सी कॉलेज में क्या होता है, इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, मेरे को तो समझ जाना। ओके आर्टिन चलो साथ में चलते बनते हैं। मैं ना बड़ा घबरा रहा था, मतलब डर रहा था, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ ना, तो मैम मुझे डांट। सो आर्टिन फाइनली मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, एंड हाँ मेरी सेल और एक अंदर खड़ी होगी ना, मैं उसको देखूँगा, मुझे बट अच्छा सा लगेगा ये है। लेट्स गो, ऐसे भी आज मौसम थोड़ा सुहाना सा लग रहा है, मेरे को सुहाना से अच्छा सा हो रखा है ना भैया, कम बच्चे लग रहे हैं मुझे, पता स्टार्टिंग के डेज में ना बड़े बच्चे आते हैं कॉलेज में, आजकल थोड़ा खाली खाली सही लग रहा है। अच्छा अच्छा चलो आर्टिस्ट मैं अभी बंद कर रहा हूँ, फिर मैं अंदर जाकर सीधे मिलूंगा। सो आर्टिस्ट मैं अपनी सेनों से मिल रहा हूँ, बेचारी ऐसे खड़ी मेरी चैन, मैं इसको तब तक नहीं जलाऊंगा जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाता एकदम अच्छे से। तो क्या आर्टिन्स मेरे दोस्त समझ रहे हो ना, उनको प्रॉब्लम होती है, शर्म आती है, ये रहा पीछे से ही दिखा देता हूँ। तो मैं बीए ग्राउंड के जा रहा हूँ, वहाँ बाहर देखते हैं क्या सीन, वहाँ पे कमी बच्चे। चलो आर्टिन्स जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा ठीक है, क्योंकि 12:30 से मेरी क्लासेस स्टार्ट है अभी नहीं। सो आर्टिन्स देखो मेरा असाइनमेंट ये चेक कर, इसकी राइटिंग देखो जरा इधर देख, इतनी गंदी राइटिंग है इसकी, मेरी राइटिंग सच बताना कैसी लग रही है, तेरी तो कीड़े जैसी लग रही है। मैं एक दिन रुकना मेरी देखने दे, देख मेरी कितनी अच्छी है, तेरी अच्छी है तो मतलब ये थोड़ी मेरी बुरी है, मैंने एक घंटे बनाया है तेरी, अब मैं इसमें ना नाम वाम लिखता हूँ यार, वही कर सकता हूँ। अच्छा तेरा ज्योग्राफी का दिखा अपनी राइटिंग, तेरी भी कीड़े मकोड़ी जैसी, नहीं तेरी अच्छी है वैसे हिंदी की, इसी ने मेरा एक फॉर्म ना भरा था, अच्छी राइटिंग है तेरी, हाँ तेरे को फेमस कर देता हूँ क्यों। सो आर्टियंस ये सबको यहाँ पे दीदी दीदी बोलता है, अगर कोई इनको पसंद कर रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, रिश्ता भिजवा दूंगा ठीक है। मेरी आर्टियंस इस गुरु जी को बड़ा मिस कर रही थी, बैठो गुरु जी, बहुत झूठे हो गए हैं गुरु जी आजकल, झूठा है भाई तू, अभी बोलना, अभी मैंने से पूछा कहाँ है तू, बोलता कि मैं घर चला गया और अभी यहीं पे घूम रहा था, झूठ बोल रहा है। अच्छा तूने आके कब बताया कि मैं आ गई, तूने मेरे को कब कॉल कर दिया है बता, कब नहीं गया, बार बार मैं कभी तेरा मैसेज तक नहीं, जितना झूठ। अच्छा एक बार बता, मैंने मैसेज का फिर रिप्लाई कब दिया है, अपने ऑडियंस को बता कितनी झूठी है, मेरे देखा ही नहीं होगा। चलो ऑडियंस मेरी इंग्लिश की क्लास है, मैं क्लास के अंदर ले आऊँ क्योंकि मैं डांट खाता हूँ। चलो गाइस, सो आर्टियंस आज की क्लास ना मस्ती सही भाई, सबसे पहले मैम मेरे पास आके ही पूछती और ये सारे बंदर लोग, आर्टियंस इग्नोर करो, इग्नोर बच्चों को। सो आर्टियंस आई एम गोइंग होम, बाय गाइस, बाय, मेरा न्यू मास्क।
सो आर्टियंस में घर जा रहा था डब्बू भाई साथ, मेरे कॉलेज का पेड़ कट गया भाई, ये तो कितना सुंदर लगता था। राधे राधे कैसे है तू भाई, तू तो खतरनाक बन के आ रखा है। अबे आर्टियंस एक सेकेंड ना, अभी मैं सेनो पे जाऊंगी तो मैं हेलमेट नहीं लेके आया हूँ, बिना हेलमेट के मैं से चलाऊंगा ही नहीं, तो अभी डब्बू भैया ही चलाएंगे, घर चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होगी हमारा। चल राहुल भैया, आप मटर रस्सी करने आते हो कॉलेज में? पहले इनका बर्थडे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिख दो। हैप्पी बर्थडे, ठीक है राहुल जी का, ठीक है ना, चल मैं जा रहा हूँ। पढ़ लो जाओ, मटर कस्सी करने आते हो, देख रहे हो आर्टियंस। आए भैया, भैया जी और कैसे, भैया देखो मेरी सैनो कैसी है, गाड़ी अच्छी है, चला चल एक चक्कर अभी नहीं, जब मैं बैस बन जाऊंगा मैं तभी चलाऊंगा सैनो को। नहीं नहीं आ रहे ना, अभी नहीं चलाऊंगा। लेकिन आर्टियंस जो डूबे मेरे को जल्दी घर ला गए, मेरी उनको अभी कॉलेज में रहना था थोड़ा, पर कोई नहीं चलते हैं घर, मम्मी वेट कर रही होगी ना हमारा। फिर डब्बू भैया के दोस्त मिल गए, चल 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 चलो घर को। बड़ा सुंदर मौसम था, बारिश होने वाला, आपके यहाँ कैसा मौसम होगा उनसे तीन बताना। ये था मेरा कालू, डब्बू भैया यहाँ से दूध लेते हैं क्योंकि मम्मी हमें अगर दूध नहीं ले जाएंगे तो दिमाग ख़राब कर देगी, दूध क्यों लाए, इसलिए दूध लाना पड़ता है। हमें बहुत चाय पीते हैं ना, क्योंकि मैं जब तक बेस्ट बनूंगा ना तभी चलाऊंगा, ठीक है। तो ये आ गया है दूध, चलो घर के लिए रवाना होते हैं, हमारा घर आने वाला तो है। अबे रुक जा, सैनो को यहाँ पे रख के शाम को थोड़ा सीखूंगा, अगर बारिश नहीं हुई उसके ऊपर कपड़ा रख देता हूँ। तारा बेबी चलो आज मम्मी के पास चलते हैं। अब अभी अरे ऐसे ही होता है, बच्चों को छेड़ो ना मम्मी बड़ा छिड़ जाती। मम्मी कावा कैसे रह रही है मौसम से, अरे ठंड हो गई ना आजकल, ठंड इसीलिए। मम्मा मम्मी ये बेटी कितनी प्यारी लग रही है, तूने मेरे लिए फ्राइड राइस बनाया आज? तो मेरे लिए फ्राइड राइस बनाएगी तू, ठीक है? सामान ला रहा है, सामान ला रहा है उसके लिए, शिमला मिर्च। अब मैं मस्त चाय पीऊंगा, और ये लमसम बड़ी फेवरेट है, आप कमेंट सेक्शन का आप भी देते हैं। चलो चाय पीते हैं, चाय पार्टी करते हैं। सुमन की याद आ रही है गुगु की, ऐसे ही होता है, जब वहाँ होता है मुझे मम्मी की याद आती है, मैं यहाँ आ गया गुगु की याद आ रही है। ओके आर्टियंस मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। मेरा बहुत ज़्यादा फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था, बगल हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना उनसे ही मांग के आया, मम्मी मेरे लिए फ्राइड राइस बनाएगी मस्त। थैंक यू मेरी प्यारी मम्मा, तेरा तुम्हें तो खुद बनाना पड़ता है ना, तो बुरा लगता है। सुमन दी तो खुद ही बना लेगी, सुमन दीदी। हाँ जी हाँ जी, टोटल से मुझे ऐसा लग रहा है आप बेवकूफ बना रहे हैं, एंड सो ट्रू आप, मतलब मेरे को मेन नायका से मतलब मैसेज नहीं आया, आपने ये अपना फेक आईडी बना के मुझे मैसेज किया है। ये फेक आईडी लग रही है आपको? ओके नॉट एन इशू मैम, इन दैट केस आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे क्यूआर स्कैनर दिया गया है, आप एक बार स्कैन करके चेक कर लीजिएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, आपको शो कर देगी। मेरा तो नहीं, मैंने इसका ही कर दिया। मैंने सोचा था मस्त सैनो को सीखने जाऊंगा, ये देखो बारिश हो गई है खतरनाक ही। कोई नहीं सीखूंगा सैनो को, मैं क्या बोल रहा था। ओके ऑडियंस, अगर आपको कोई भी फेक कॉल्स वगैरह आते हैं तो आप अलर्ट रहिएगा। सेकंड, आजकल फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो डोंट बिलीव सब में, बिलीव कुछ कुछ में, ठीक है। एंड लास्ट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। इस ब्लॉग को यही पेंड करना। ऑडियंस अभी बज रहे हैं 11, मेरी मम्मी को ना आजकल पता नहीं
ये कोई चैनल देखने का बड़ा क्रेज चढ़ा है, तो रात के 11:30 हो गए, मम्मी भी वो देख रही है। आपकी मम्मी को भी ऐसा क्रेज है तो उन्हें बोलो, आंखें खराब होती हैं। सो जा भाई, सो जा। चलो आर्टिस्ट, गुड नाइट, बाय, लव यू। सो जा।